यूपी विधानसभा चुनाव में एक दूसरे से हाथ मिलाने के बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अब चुनाव प्रचार की तैयारियों में जुट गई है। गठबंधन के बाद आज लखनऊ में अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें गठबंधन को लेकर यूपी को ये साथ पसंद है का गाना भी लॉन्च किया गया। अखिलेश ने दावा किया कि पहली बार चुनाव से पहले ही लोगों ने विकास को गति देने का मन बना लिया है। दोनों नेताओं ने दावा किया है कि प्रदेश में एसपी कांग्रेस गठबंधन को 300 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। इस दौरान कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि अखिलेश से उनके व्यक्तिगत रिश्ते हैं। उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को गंगा जमुना का मिलन बताया। वहीं दोनों एक दूसरे की तारीफ करते भी नजर आए। राहुल ने जहां अखिलेश से अपने व्यक्तिगत रिश्ते का जिक्र किया, वहीं अखिलेश ने खुद को और राहुल को साइकिल के दो पहिए बताए। अखिलेश ने कहा कि साइकिल के साथ हाथ हो और हाथ के साथ साइकिल हो तो रफ्तार बढ़ेगी ही। यूपी में प्रियंका गांधी के चुनाव प्रचार को लेकर पूछे गए सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि प्रियंका मेरी बहन के साथ साथ कांग्रेस की नेता हैं। वह खुद तय करेंगी कि प्रचार करेंगी या नहीं। वह हमेशा मेरी मदद करती रही हैं। राहुल गांधी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीएसपी और मायावती पर नरम नजर आए, लेकिन बीजेपी पर वह हमलावर दिखे। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा कि मायावती और बीजेपी में बड़ा फर्क है। बीजेपी क्रोध, गुस्सा, नफरत फैलाती है, जबकि मायावती की विचारधारा से देश को खतरा नहीं है। वहीं बीएसपी के साथ गठबंधन पर अखिलेश ने कहा कि मायावती जी बहुत ज्यादा जगह लेती हैं, उनका चुनाव चिन्ह हाथी है। हम दोनों मायावती को गठबंधन में उनकी जगह नहीं दे पाते। तो पहली बार एक साथ मंच पर आए राहुल अखिलेश, यूपी को नई दिशा देने के लिए कई वादे किए। इसके बाद दोनों नेताओं ने लखनऊ में रोड शो भी किया। देखते रहिए डीबी लाइव।